तो जाहिर है कि खाना जो है कि इंस्टिंक्ट एक चीज़ है, जिबलत है, जो हर एक के लिए ज़रूरी है, हर जानदार के लिए। तो वो बार बार करता है वो, लेकिन अगर कोई दूसरा लेवर दबाता है वो, तो उसको जो है तो वहाँ पर हल्का सा करंट लगता है तो वो लेवर को नहीं दबाता है। मतलब ये कि ऐसा बर्ताव, ऐसा बिहेवियर, ऐसी चीज़ जो करने पर आदमी को, बच्चे को इनाम मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है, तारीफ की जाती है, उसकी पीठ थपथपाई जाती है, तो वो चीज़ वो बार बार करता है। और ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई बर्ताव, ऐसा कोई बिहेवियर जो करने पर उसको डांटा दबता जाता है, सज़ा दी जाती है, गुस्से में आते हैं, तो वो चीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ख़त्म हो जाती है। तो प्राइज एंड पनिशमेंट, इनाम और सज़ा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी बात पर डिपेंड करता है, यही थ्योरी पर है कि भाई अगर आप कोई बर्ताव पर, कोई हरकत पर आप उसको इनाम देंगे तो बच्चा वो आकर वो चीज़ बार बार करेगा, और अगर आप उसको जो है तो कोई चीज़ के लिए सज़ा देंगे तो वो उससे आहिस्ता आहिस्ता वो कम होगी। अब इनाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कोई हर चीज़, कोई चीज़ बहुत बड़ी चीज़ दें, बल्कि बहुत काफ़ी छोटी चीज़ भी हो सकती है। आपने मुझे गुलदस्ता दिया और वो बैग में पता नहीं क्या है, खोल के देखने के बाद ही पता चलेगा मुझे। तो बहरहाल कि अगले बार भी आप बुलाएंगे तो मैं और आऊँगा कि सुमित पर चलो और कोई गिफ्ट मुझे। और इस ढंग से आपने मुझे इस्तेमाल किया, अच्छे से मुझे बिठाया, तो जाहिर है कि एक अच्छा बर्ताव किया आपने, एक प्राइज है ये छोटे जो मेरे लिए, तो मैं इसको अगले बार भी रिपीट करूँगा। लेकिन इसके बजाय अगर आप मुझे बुलाते हैं और बहुत ही ऐसा इनडिफरेंट बिहेवियर करते हैं और बच्चे सुनने के बजाय आपस में बातें करने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे जाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं नहीं आऊँगा। दूसरे मतलब आप बुलाए तो मैं कोई तो बहाना कर दूँ। तो इस किस्म का तो ये जो बात है, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, एक इंसान से लेके एक इंसानों के ग्रुप तक, एक मुल्क तक, सबके लिए ये बात लागू होती है। तो इसलिए बच्चे अगर कोई चीज़, जैसा बच्चा अगर कोई नज़्म पढ़ कर सुनाता है, जैसा अभी बच्चों ने ये सुनाए हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करें, सुभान अल्लाह कहते हैं, कभी पीठ थपथपाते हैं, कभी कोई छोटा सा छोटा बच्चा है तो उसको इनाम देते हैं, बिस्किट है, चॉकलेट है, कोई सिर्फ तारीफ भी करना, उसकी पीठ थपथपाना भी बहुत उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर वो काम अच्छा करता है और टीचर के चेहरे पर कोई चेंज ही नहीं आता, जैसा स्टोन फेस उसका अगर रहता है, तो बच्चे को लगता है कि मैंने कुछ करा के नहीं, मतलब तो वो बाद में फिर उसका बिहेवियर रिपीट नहीं होता है। तो इसलिए अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए, भले किसी भी ढंग से। वैसे अगर कोई बच्चा शरारत करता है तो उसको सज़ा देना चाहिए। अब मुश्किल ये हो गई कि राइट टू एजुकेशन में ये कहा गया कि कॉर्पोरल पनिशमेंट ना दिया जाए, बच्चों को छड़ी से ना मारा जाए। हम लोग तो छड़ी से मार खा करके बड़े हो गए, आप लोगों का पता नहीं। आप क्या तो मगर वो कॉर्पोरल पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि कुछ कुछ टीचर्स अपने घरों का गुस्सा आकर बच्चों पर उतारते हैं। तो कभी कभी जो है तो कोई टीचर इतनी ज़ोर से मार देते थे कि बच्चों की हड्डियाँ टूट जाती थी या बच्चे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते थे, इस वजह से ये आया है। लेकिन बच्चों को मुनासिब सज़ा होना ज़रूरी है। सज़ा के बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि भाई सज़ा जो है बर वक्त होना चाहिए। हमारा जुडिशियल सिस्टम ये है कि अगर एक आदमी आज अगर कोई क्राइम करता है तो केस जो है तो 10 साल तक चलता है, 10 साल के बाद उसको पनिशमेंट होता है, तो उसका कोई असर ही नहीं होता। और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि 100 में से 90 केसेस तो वैसे ही छूट जाते हैं। तो लोगों को डर और खौफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिग्नल तोड़ना तो आसान बात हो गई, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी आजकल 3 दिन सीट चलाते हुए घूमते दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह यह है कि वे पनिशमेंट ही नहीं है। तो वैसे बच्चों को भी अगर मुनासिब पनिशमेंट होना चाहिए, दूसरे की वक्त पर होना चाहिए। बच्चा आज शरारत कर रहा है, आपको 4 दिन के बाद आप उसको डांटेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि किस बात के लिए उसको डांटा जा रहा है, तो उसको जब भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसको डांट डपट या सज़ा जो भी है वो किस लिए मिल रही है, नहीं तो उसको लगेगा कि मुझे बिला वजह डांटा जा रहा है, बिला वजह डपटा जा रहा है। फिर तीसरे की मुनासिब होना चाहिए, जो जो शरारत है या जो गलती है उसके अतबार से। और दूसरी बात यह कि बच्चे को तजलील नहीं करना चाहिए, मतलब उसको जलील नहीं करना चाहिए सबके सामने, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तो तुझे अकल ही नहीं है, इस किस्म की जो बातें होती है उससे बच्चों के जो नफ्सियात है उस पर जो है तो गलत असर पड़ता है। तो अक्सर मरतबा उससे दो बातें होती है, या तो बच्चे जो है तो बहुत ही एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है, वो उसको लगता है कि मैं हर बार गलती करता हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कुंजैन हूँ, मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ, तो उसकी जो सलाहियतें हैं वो दब के रह जाती है। या उसके बरखिलाफ़ अगर कोई बच्चा ज़्यादा थोड़ा बदतमीज़ किस्म का है तो वो बागी हो जाता है, थोड़े दिनों के बाद फिर वो भी उस्ताद को पलट के जवाब देना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने में। तो इस किस्म की
हरकतें होती है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि बैलेंस हो इनाम में भी और सजा में भी। दूसरी बात यह है कि एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निशन या सूझबूझ। आमतौर पर होता यह है कि जो बच्चे को नई नई बातें मालूम होती रहती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो इंसान को जो दिमाग दिया गया है उसमें बातें भरती जाती हैं और नई नई चीज़ें उसको सीखने की जो सलाहियत है वो ऐसा ऐसा कम होते जाती है। जैसे हमारे मुकाबले में आप लोगों को सीखने की सलाहियतें ज़्यादा है, आपसे जो छोटे बच्चे उनमें उनसे ज़्यादा रहती है, इसलिए कि बहुत सी बातें उनको मालूम नहीं रहती। तो बच्चा आमतौर पर मुसलसिल मालूम हासिल करता रहता है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो रास्ते पर हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो या जहाँ भी हो। दूसरी बात यह है कि वो मालूम को अपने दिमाग में मुनज़्ज़म करता रहता है, ऑर्गेनाइज करता है और बाद में जब ज़रूरत पड़ती तो उसको इस्तेमाल करता है। तो इसी को ये कॉन्सेप्ट जो है तो कॉग्निशन कहलाता है। तो ऐसा ऐसा करके बच्चे का जहन बनता है। कोई एक वाक्य से, कोई एक बात से बच्चे का जहन नहीं बढ़ता है, बल्कि ऐसा ऐसा जो भी बातें होती रहती हैं वो सब मिलकर बच्चे के जहन बनते हैं। इसलिए स्कूल में तालीम और तरबियत के अलावा समाजी और सरगर्मी मजहबी सरगर्मियाँ भी होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। उनके वजह यही है कि बच्चा सिर्फ रट रटा कर सीखने वाला नहीं है, बल्कि उसको अमली तौर पर बताना होगा। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी इसलिए होते हैं साइंटिफिक, कि बच्चा खुद मुशाहिदा करे कि वे प्लांट्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं, क्या नहीं, ये सब। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो या मजहबी या रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, उसका मकसद यही होता है कि बच्चे एक मुकम्मल शख्सियत बने, एक कम्प्लीट पर्सनैलिटी बने। ऐसा नहीं है कि बस बच्चा जो है तो टीचिंग तो बहुत अच्छा कर ले रहा है, बड़ा होने के बाद लोग अच्छा है, आप अच्छे टीचर बन जा रहे हैं, लेकिन एक अच्छे भाई, एक अच्छे बहन नहीं बन पा रहे हैं, या एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पा रहे हैं, या बाद में जब आप बड़े हुए हैं तो एक अच्छा बाप या अच्छी माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो जाहिर है कि आप इनकम्प्लीट रहेंगे। तो कम्प्लीट होने के लिए आपको तमाम पहलुओं से तैयार करना होगा। तो ये सब बातें होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे जो है, हम लोग ऐसे समझते हैं कि बच्चा है, बच्चे को क्या समझता है, ऐसा नहीं है। बच्चे हमसे बहुत होशियार हैं, हमसे ज़्यादा होशियार आप लोग हैं, और आपसे ज़्यादा चालाक वो बच्चे रहेंगे जिनको आप पढ़ाने जाएंगे। तो बच्चे बहुत सीखते रहते हैं। दूसरी बात यह कि बच्चे बड़ों की नकल करते हैं। जैसा उस्ताद होगा वैसे ही बच्चे भी रहेंगे, जैसे माँ बाप रहेंगे वैसे ही बच्चे भी। बहुत से जो उस्ताद जो, खैर आपके पास तो लेडी टीचर्स हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी आपको मुश्फिकाना बिहेव करते होंगे, लेकिन बहुत से जो मेल टीचर्स रहते हैं वो कभी कभी गुस्से में कोई गलत जबान इस्तेमाल कर लेते हैं, या कई मरतबा तो मैंने मालूम हुआ है कि भाई बच्चे से टीचर से तो गुटखे और तंबाकू और पान मंगाते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे टीचर्स तो जाहिर है कि बच्चों की तरबियत भी ऐसे हो गए। बच्चे भी बड़ों की नकल करते हैं। अगर बाप सिगरेट पीता है तो बच्चे भी कोने में जाके कागज़ का वो कोने में जाकर पीता है या उसको सिगरेट पीता है, और बाद में बड़ा होने के बाद वो भी सिगरेट पिएगा। तो बच्चे ज़रूरी नहीं है कि वो सोच समझ के उसकी नकल कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली भी वो नकल करते हैं। बहुत से अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे या भांजे भतीजे होंगे तो आप देखेंगे जो पहली में है या उससे प्री प्राइमरी में हो, स्कूल से घर आने के बाद अपने टीचर की नकल करते हो। एक बच्चा टीचर बन जाता है, एक बच्चा स्टूडेंट बन जाता है। तो इस किस्म का ये जो है तो बिहेवियर होता है। तो अगर टीचर्स बच्चों से अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो बच्चों में भी वो बातें बढ़ेंगी। दूसरी बात ये है कि ये जो पीरियड्स होते हैं 6 से 16 साल का, ये फॉर्मेटिव पीरियड्स जिनको कहा जाता है, मतलब इनमें बच्चों की शख्सियत बनती है। एक जैसा कहा जाता है कि एक बार पेड़ सख्त होने के बाद आप उसको मोड़ नहीं सकते, कुंदा बन जाने के बाद जो है तो कुंदे को आप मोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको जब वो नर्म है, जब वो नए हैं 6 से 16 साल की उम्र में, उस वक्त में आपको जो है तो बच्चों को सिखाना होता है। दूसरी बात ये है कि शुरू जैसे असातिज़ा होंगे, असातिज़ा के बारे में उसका कॉन्सेप्ट भी वैसे ही डेवलप होगा। जैसे बचपन में अगर उसको अच्छे मोहब्बत करने वाले, प्यार से बोलने वाले असातिज़ा मिलेंगे तो उसको लगता है कि टीचर्स अच्छे लोग होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन अगर शुरू से ही उसको बहुत बजाने वाले टीचर्स मिल गए, डांटने वाले टीचर्स मिल गए, तो उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि नहीं, ये टीचर्स मास्टर सब खड़ूस रहते। तो बाद में बड़े होकर अच्छा भी टीचर अगर उसको कोई मिलता है तो उसके बारे में भी शुरू शुरू में उसके आइडियाज यही रहते कि ये टीचर खड़ूस है, सही नहीं है। तो इस वजह से आपको बच्चों में जिसको इम्प्रिंटिंग कहा जाता है एक बचपन का, तो उसमें एक अच्छा आपको एक उनके सामने नक्शा
नक्शा रखना होगा। दूसरी बात यह है कि जानवरों और इंसानों में एक फर्क यह है कि जानवर को सिर्फ खाना चाहिए, जिंदा रहना है, और दूसरा ये होता है कि भाई वो उसके बच्चे पैदा करता है और आगे बढ़ता है। इंसान भी उस हिसाब से ये है कि भाई वो जो है तो पहले खाना ज़रूरी है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ और बातें हैं जो इंसानों में और जानवरों में फ़र्क पैदा करती हैं। वो ये है कि इंसान सिर्फ खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं रहता है, बल्कि उसमें और कुछ चीज़ें होती हैं जो मोहरिकात होते हैं। जैसे वो चाहता है कि उसकी एक पहचान बने, लोग उसको एक अच्छे नाम से जाने। दूसरा ये वो चाहता है कि उसे सक्सेस मिले, कामयाबी मिले। तो यही बातें बच्चों में भी होते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि उनकी एक पहचान बने। जैसे बच्चा रहता है वो खेल में बहुत अच्छा रहता है, या एक बच्चा रहता है जो बहुत अच्छी तिलावत करिए जैसे बच्चे ने बहुत अच्छे ढंग से, तो वो एक उसकी अपनी पहचान बनती है। कोई बच्चे ने अच्छे से नज़्म गा सकता है, कोई बच्चा है बच्चे, तो उसकी पहचान बनती है। अब ये दो बच्चों ने कंडक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, तो अलग अलग किस्म की एक पहचान बनती है बच्चों की। या वो जनाब ने बहुत अच्छे ढंग से फोटोग्राफर का रोल अदा किए हैं, तो ये अलग अलग रोल्स हैं। हाँ जी, वही रोल अदा करते हैं, तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें। तो ये पॉजिटिव बातों को आपको करना चाहिए ताकि उनमें ये बात बढ़े। दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ निगेटिव एटीट्यूड्स भी रहते हैं, जैसे शरारत या एग्रेशन। आमतौर पर जो एग्रेशन है वो लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन लड़कियों में भी किसी हद तक ये होता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन अलग ढंग से होता है। तो एग्रेशन या बर्ताव या जारियत जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो न सिर्फ खुद, एक मिनट प्लीज़, दूसरों के लिए नुकसानदायक होता है, बल्कि खुद के लिए भी वो नुकसानदायक होता है। इसलिए जब आप लड़ाई करते हैं तो सिर्फ सामने वाले को ही जख्म लगेगा, ऐसा नहीं है, आपको भी जख्म आना ही आना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए इस ताल्लुक से। जैसे फ्रॉइड के बारे में तो सभी लोगों ने सुना होगा, सिगमंड फ्रॉइड ने नज़रिया ये पेश किया कि जब किसी फर्द को, किसी इंडिविजुअल को, न सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी, उसको या उसकी नस्ल को किसी बात का खतरा होता है, तो जाहिर है कि उसको जिंदा रहना है। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि जिस हद तक हो सके वो अपने आप को जिंदा रखे, तो उसके लिए वो जो है तो लड़ाई की सूरत करता है। दूसरा एक लॉरेंस नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसका ये कहना था कि जो लड़ाई है या एग्रेशन है ये हर जानवर की फितरत में मौजूद है, ये एक एनर्जी है जो उसके पास है, इसलिए